वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज हम तैयार करते हैं तिब्बत का फेमस स्नैक्स मोमोज। मार्केट में इन्हें आर्टिफिशियल फ्लेवर से तैयार किया जाता है, तो आज हम घर पे तैयार करते हैं कुछ वेजिटेबल्स से ये मोमोज। तो घर में रखी हुई कुछ वेजिटेबल्स को हम इस तरह से बारीक कट कर लेते हैं और फिर लेते हैं 1 से 1.5 कप के करीब मैदा। मैदे के अंदर इस तरह से मैंने जगह बनाई है और उसके अंदर डाल दिया है 5 से 6 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल। और ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाते हुए उसका आटा गूंद लेना है। सॉफ्ट सा आटा गूंद लेते हैं इसका। मोमोज कई तरह से तैयार किए जाते हैं, जिसमें चिकन मोमोज और वेजिटेबल मोमोज होते हैं। फ्राई मोमोज भी मार्केट में मिलते हैं, जो कि बहुत ही स्पाइसी और मसालेदार होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो हम वेजिटेबल मोमोज और सिंपल से बिल्कुल चटपटे वाले मोमोज घर पे ही तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पहले सबसे पहले इस तरह से मैदे को हमें गूंद लेना है और गूंद के उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक के रख देना है। और अब बारीक कटी हुई सब्जियां जो हमने बहुत सारी काट ली है उसे हम लेते हैं और मीडियम आंच पे रखते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल और इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डाल देते हैं। बस 1 मिनट इन्हें भून लेते हैं, उसके बाद डालते हैं इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर डाला है इसके अंदर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। जो भी वेजिटेबल्स उपलब्ध हो उसी में बनाते हैं। पत्ता गोभी को भी इसके अंदर मिला लेना है। फिर इसके अंदर डाल देते हैं कुछ टमाटर। अब डाल देते हैं इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन यानी हरे पत्ते वाले प्याज और इन सब को मिला लेते हैं। बस मीडियम आंच पे इनको पकाना है पहले। जैसे ही 2 से 3 मिनट तक ये पक जाते हैं इसके अंदर डाल देते हैं कुछ कटी हुई अदरक के टुकड़े। 2 से 3 मिनट तक इन्हें भी अच्छी तरह से मिला के पका लेते हैं। जैसे ये कलर चेंज होने लगेंगे और इनका पानी भी सूख चुका है, तो अब इसके अंदर डालेंगे हम बारीक पिसी हुई 1 से 2 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर और नमक डालना है स्वाद अनुसार। बस इन्हें सबको मिलाने के बाद अच्छी तरह से हिलाते रहना है। 1 से 2 मिनट तक इन्हें मिला लेंगे और फिर इसके अंदर डाल देना है सोया सॉस 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल देना है और फिर उससे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। सोया सॉस डालने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ये तैयार है। इसके अंदर डाल देते हैं धनिया बारीक कटा हुआ और इसे मिला के गैस को अब बंद कर देना है। अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरफ जो आटा गूंदा हुआ है उसके हम छोटे छोटे से लोए तैयार कर लेंगे। और इनकी छोटी छोटी सी हम पूरियां बना के रख लेंगे। जब तक ये पूरियां तैयार होती है तब तक हमारा जो वेजिटेबल वाला मसाला है वो भी ठंडा हो चुका होगा, तो उसे फिर इस पूरियों के अंदर इस तरह से डालते हुए हम इनका मोमोज तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथों से हमें फोल्ड करते हुए मोमोज को तैयार कर लेना है। छोटे बड़े जैसे भी साइज में बनाने हैं बना सकते हैं। तो इस तरह से तैयार है हमारे मोमोज। सभी मोमोज को एक साथ ही तैयार करके रख लेने हैं। जब ये सारे मोमोज इस तरह से तैयार हो जाए तो हम इनको करना है स्टीम। सभी मोमोज को स्टीम करने के लिए इस तरह से मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी, और पानी जब बॉईल हो गया तो उसके अंदर मैंने रखी है इस तरह से चलनी और एक प्लेट जाली वाली, उसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। और इस तरह से सभी मोमोज को रखते हुए हमें स्टीम में बाफ में तैयार कर लेना है।
15 से 20 मिनट में ये मोमोज स्टीम में तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इडली मेकर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर प्लेट रख के हमें 15 से 20 मिनट तक इन्हें बाफ में पका लेने हैं। 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे निकाल लेंगे और इस तरह से हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, क्योंकि ये मोमोज बाहर से ठंडे और अंदर से गर्म होंगे। बस थोड़ी सी देर बाद से हम सर्व कर सकते हैं और इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर के बिना सॉस या घर पे बनी हुई हम हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। जिन्हें मोमोज बहुत ही पसंद है और जो मोमोज हमेशा खाते रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि घर पे ही बनाएं और इस तरह से इंजॉय करें। इस तरह के मोमोज वेजिटेबल वाले सब्जियां जो भी हो घर में रखी, उस तरह से हम डाल के बना सकते हैं और बिना स्पाइसी यानी कि चटपटे वाले मोमोज ही घर पे तैयार कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।